हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पकोड़े की रेसिपी लाई हूँ। मैं पनीर पकोड़ा बनाऊंगी आपके लिए। इसके लिए मैंने एक बाउल में लगभग 3.5 चम्मच बेसन लिए हैं और साथ ही मैंने 1.5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लिए हैं। बेसन के साथ कॉर्नफ्लावर मिलाते हैं इसलिए क्योंकि कॉर्नफ्लावर से इसमें करारापन आता है पकोड़े में। और इसके बाद मैंने और भी मसाले मिलाने हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे पास काली मिर्च कुटी भी नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा सा काली मिर्च कूट के डालूंगी। देखिए, मैंने 1.5 चम्मच मिलाया है कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च मैं थोड़ा सा अपने बेसन के घोल में भी डालूंगी और थोड़ा सा पनीर को मैरिनेट करने के लिए भी रखूंगी। इसके बाद मैंने इसमें अजवाइन डाला है। अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें नमक मिला रही हूँ। आप भी स्वादानुसार जितना आपको घोल बनाना हो उसके हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा नमक और चाट मसाला पनीर में भी मिलाना है। इसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, लगभग 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है और लगभग 1/2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल रेड चिली डाली है। अब देखिए, मैंने जो पनीर लिया था मैं उसे बीच से काट लूंगी। मैं गोल मिर्च को कूट रही हूँ। जब हमारा ब्लैक पेपर कूट जाएगा तो थोड़ा सा मैं पनीर में डालूंगी और थोड़ा सा मैं अपने मैदे में डालूंगी। देखिए, पनीर को मैंने बीच से काट लिया है। थोड़ा चौड़ा पनीर काटिएगा, थोड़ा थिक रखिएगा फ्रेंड। और बीच में मैंने टमाटर सॉस लगा दिया है। इस तरह करके हम सभी को मैं हल्का सा कट लगा के बीच में हम लोग टमाटर सॉस लगा देंगे, इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आ जाता है फ्रेंड्स। अब हमने सभी में टमाटर सॉस बीच में लगा दिया कट लगा के। अब मैं इसे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट डाल के हल्का सा हम लोग इसे फ्लेवर देंगे। देखिए, मैंने थोड़े से मैदे के घोल में डाला है और थोड़ा सा मैं पनीर में डालूंगी। दूसरी तरफ मैंने पैन को बिठा दिया है क्योंकि उसमें हमें पकौड़ों को फ्राई करना है फ्रेंड्स। अब देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल के उसे पनीर को भी हल्का सा मैरिनेट कर दिया था। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार करूंगी। बैटर ना हमें बहुत पतला रखना है ना बहुत गाढ़ा रखना है, मीडियम रखना है हमें, जिसमें कि बैटर हमारे सारे पनीर के टुकड़ों को अच्छी तरह से कोट हो जाए। देखिए, मेरे बैटर अच्छी तरह से फिट के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालूंगी दोस्तों, और उसके ऊपर मैं 1.5 चम्मच गरम ऑयल को डाल दूंगी। उससे बहुत ही हल्का हो जाता है और हमने जो बेकिंग सोडा डाला है वो तुरंत ही बेसन को फर्मेंट कर देता है। आप चाहें तो इसमें 1/2 टीस्पून इनो भी डाल सकते हैं। अब देखिए, मैंने जो जो जिस पनीर में सारे पनीर में स्लिट लगाए थे और मैरिनेट किया था, अब सबको मैं बैटर में डाल दूंगी और इससे मज़ेदार पकोड़े तैयार करूंगी। दोस्तों, यह बहुत ही आसान रेसिपी है,
बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आपके बच्चे सामने कुछ हल्का फुल्का खाने का जिद करते हैं या फिर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आप इसे 10 मिनट के अंदर फौरन तैयार कर सकती हैं। बीच में जो हमने काट के उसमें टमाटर सॉस लगाया है, उससे यह बहुत ही टेस्टी हो जाता है। आप चाहे तो बीच में धनिया पुदीना की चटनी भी लगा सकती हैं, लेकिन चूंकि धनिया पुदीने की चटनी को मैंने पकौड़े के साथ सर्व किया है, इसलिए मैंने बीच में टमाटर सॉस लगाया है। दोस्तों, 10 मिनट में तैयार होने वाली हमारी मज़ेदार पनीर पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थम्सअप भी ज़रूर दबाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होती है और यूनिक होती है। दोस्तों, आज छठ का दूसरा दिन है। आज महापर्व छठ की खरना है। इसके लिए सभी छठ व्रतियों को मेरे तरफ से सादर नमन। सूर्य भगवान हम सभी संसार वासियों के सारे कष्टों को दूर करें, क्योंकि छठ पर्व की बहुत ही महत्ता है और भगवान सूर्य तुरंत ही लोगों की पुकार सुनते हैं। देखिए, उलट पलट के मैंने पकौड़ों को दोनों तरफ तल लिया है। दोस्तों, मैंने पनीर से बनाया है, आप चाहे तो उसे मोजरेला चीज से भी बना सकते हैं। चीज के पकोड़े भी बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए, मेरे पकोड़े तैयार हो गए हैं। मैं इन्हें निकाल कर प्लेट में रख रही हूँ। अब मैं पकोड़ों का दूसरा बैच डालूंगी। दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यह रेसिपी आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। यह बहुत ही लाइट रेसिपी है, बनाने में आसान, खाने में मज़ेदार। फ्रेंड्स, मेरे पनीर पकौड़े बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं।
देखिए दोस्तों, मेरे पनीर पकौड़े बिल्कुल भी तल के रेडी हो गए हैं। मैंने इस पर एक एक टूथपिक लगा दिया है, जिससे कि आपके बच्चों को खाने में बहुत ही सुविधा होगी और बच्चे इस तरह के डेकोरेशन से खाने में भी बहुत ही रुचि दिखाते हैं। दोस्तों, खाना बनाना और सर्व करना तो उसे ब्यूटीफुल दिखना भी जरूरी है। दोस्तों फ्रेंड्स, देखिए मेरे पनीर पकौड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने इसे धनिया पुदीना के चटनी के साथ